हेलो दोस्तों, मैं भास्कर यादव हाजिर हूं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आपका पसंदीदा चैनल टैलेंट अयोध्या। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक शानदार अवधि लोकगीत का कार्यक्रम। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कार्यक्रम कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल के प्रति आपकी जो भी राय हो या कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पंडित जी का समझ कर कथा पाठ ने कहे से पंडित जी एक रोज जजमान के घर सत्य नारायण व्रत कथा कथा महोत उनके घर पर बैठ गए पंडित बेदी पर हाथ में कुछ पैंती लेकर बैठ गए पंडित बेदी पर हाथ में कुछ पैंती लेकर चढ़ा दिया जजमान पाठ लड्डू भगवान को अर्पण कर चढ़ा दिया जजमान पाठ लड्डू भगवान को अर्पण कर कथा खत्म हो गया लोग खुश हुए है पर साथ ही पाकर विदा किया पंडित जी को जजमान बिताई भी देकर लड्डू पाँच धरा झोले में पंडित जी चल दिया इधर पहुंच गए दरवाजे पर परताइन भी आ गई नजर झोला दिया हाथ में उनके कहीं बात खुद समझा कर लड्डू पाँच झोले में दूठू तुम खाई ली हो जाकर घर तीन फूल अलमारी में हम भी खाते हैं आकर तब परताइन बोल पड़ी होशियार बड़े हो पंडित भर काम करी तुझसे ज्यादा यो खाई में पीछे है नंबर खड़ा कहे भगवान की हर जवाब लो फड़ के ऊपर मेरे घराने में इस टाइम लंबरदार कवन नंबर जवाब दो यार जवाब लो क्यों करते जानी कसर मसर जवाब दो यार जवाब लो क्यों करते जानी चूंकि श्रीमान जी जजमानी से निकल कर आए थे और जजमान ने भगवान को अर्पित करके पांच लड्डू चढ़ाया था। पंडित जी ने सोचा दरवाजे पर चले और दो श्रीमती के लिए दे दें और तीन मौका आने पर हम खाएंगे, और वही बात सोचते विचारते आ रहे थे दरवाजे पर पहुंचे झोला निकाल करके श्रीमती जी को दिया और ये शब्द कहा कि तीन लड्डू मेरे लखोर तो तुम खा लो। श्रीमती जी ने कहा वाह गृहस्थी का सारा कार्य मैं करती हूं, आप कुछ नहीं करते, सुबह झोला निकल कर जाते शाम को झर झर लथराइट करके आते हैं और जब खाने का नंबर आया तो हमसे नहीं पूछो बिना हमारे पूछे बता तीन कह दी। श्रीमती जी ने कहा कि सारा काम मैं करती हूं, मैं तीन खाऊंगी। और तो अंधर रहा कोम गिर पर रहा ही है, देखो ना अंधर है लेकिन किस गड़बड़ा से देखा था है। और इस समय पांच लड्डू की कीमत हल्की फुल्की दुकान पर पांच रुपए की, एडवांस दुकान पर जाओगे तो शायद ज्यादा होगा लेकिन मामूली दुकान पर इस समय पांच लड्डू की कीमत पांच रुपए है। और जब का यह दृष्टांत है तब तक शायद एक दो पैसा में पांच लड्डू मिलत रहा हो, लेकिन जब गड़बड़ाए को थोड़ा मिलन भाई तो वैसे गड़बड़ा दे देखो कैसे कीमत की अगर देखी जाए तो कुछ नहीं और बात देखी जाए तो कितनी बड़ी बात बन गई। श्रीमती जी ने कहा कि मैं सारी काम सारा का सारा कार्य करती हूं, खाने का नंबर आया तो तीन मैं खाऊंगी, आप कुछ नहीं करते आप दो खाएं। अब बात लग गई और लग गई तो लग गई। श्रीमती जी ने कहा तो श्रीमान जी ने कहा चाहिए बताओ तू कर्त कहा हूं, जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं लेकिन फिर भी पूछा था कि आखिर तू क्या करे थे। श्रीमती जी ने कहा कि चौका बर्तन करी घरे और खाना रोज बनाई हम, चौका बर्तन करी घरे और खाना रोज बनाई हम, बड़े सवेरे उठ गई दौड़ी गोरू भैंस खवाई हम, दिन भर घर के काम करी जब यू से फुर्सत पाई हम, टीम से खाना पानी दे खटियो रोज बिछाई हम, सेवा करी तो हार हमेशा बुकवा तेल लगाई हम, आठ बजे भर तू सो कही हो न तुम्हें जगाई हम, तरने पर तू तीन खाओ काहे तू लड्डू सब कुछ मैं करती हूं। और उसके बावजूद आठ बजे भर तू सो कही हो ना तुम्हें जगाई भाई, आठ बजे भर तू सो कही हो ना तुम्हें जगाई हम, तुमने पर तू तीन खाओ का है तू लड्डू खाई हम, पंडित कहीं की असना मान अभी अब तू शर्त लगाई हम, पल्ला बंद करो यो लिया तो तब तू का समझाई हम, पहले बोली ते तू खाई मारित पास छुपाई हम, तब पर पाइन कहीं ठीक है भले कहो यजमाई हम, दोनों पर आनी चुप हो लेते सुना करो जो गाई, आज दोनों पर आनी चुप हो लेते सुना करो जो गाई आई हम, कोई कोई से कुछ ना बोले सही बात फरमाई हम, पंडित वाले झगड़े का ये पता किसी को क्योंकि दोस्तों वहां अगर घंटे के अंदर ये विशेषता थी कि तुमको मिलेगा एक तो पड़ोसी को मिल जाएगा दो तो यहां सच में ये विशेषता है जो बोल देगा वो खाएगा दो उसकी हो जाएगी हार, और जो नहीं बोलेगा वो खाएगा तीन उसकी हो जाएगी। तो सारी रात जागते हैं
नींद नहीं आ रही है मगर बोलते नहीं है, वही कीन खाने के चक्कर। और रतन ब्रजवासी बिहार रसिक मित्रों में परम मित्र भाई भाई मेरे भाई हरिमान यादव जी की तरफ से चार रुपए का नमस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। कि पंडित कहे कि रसना मान अभी अब फुर्सत लगाई हम, बल्ला बंद कर लेटो तब तुमका समझाई हम, पहले बोली थे तुम खाई मारित बाय छुपाई हम, तब पर पाइन कहीं ठीक है भले कहो यजमाई हम, दोनों पर रानी चुप हो लेते सुना करो जो गाई हम, कोई कोई से कुछ ना बोले सही बात फरमाई हम, पंडित वाले झगड़े का ये पता किसी को चला नहीं, आज बज गवा पड़ताइन का की के पल्ला खुला नहीं, गाँव के लोग जुटे द्वारे पर कोई सुना मिला नहीं, गोहराए पर ना बोले गर्दन दोनों का हिला नहीं, मरा है कि है जिंदा कुछ बात जिगर में हला नहीं, बहुत मियर सब पतवाने लेकिन कुछ भय फैसला नहीं, सबे का है पल्ला चीर या है दिल्ली का किला नहीं, पल्ला चीर हले धर्म स्थित के पता लगाने का, पंडित दोनों पर आनी वो हम सोचा लगे जैसे बाहर से आग लगने लगी, जैसे पल्ले पर चोट लगने लगी, तो पंडित जी जान गए कि कितपुर तार के पल्ला आवत है, सब बिल्कुल सावधान। कि पंडित दोनों पर आनी वो हमर सोसा लगे चढ़ाने का, हाथ गोबर सब बंद है भाई, पंडित दोनों पर आनी वो हमर सोसा लगे चढ़ाने का, सांस बंद कर ही सब है कोशिश की जगाने का, डंगरा सांस बंद कर लिहिन सब है खूब कोशिश की हिंज जगाने का, दंग रहे सब लोग कमन कार मर जाने का, इन्हें निकाल कर रही पहले ना काम ढेर बतवाने का, करो व्यवस्था जल्दी से ले चलो इन्हें दफनाने का, जो बांस का तय लागे कोई गए है कपड़ा लाने का, बना के चिट्ठी लिटा दिया आए सब लोग उठाने का, पंडित दोनों पर रानी को सब लेकर गए जलाने का, पहुंच गए शमशान घाट पर लागे चिता बनाने का, चिता बनाकर लिटा दिया और घूमे आग लगा का, तब पंडित मन मोसे से आ गया वक्त मर जाने का, कहीं आग जो लगा दिया फल मिले हमें जिताने का, हार मान ये पंडित जी डिगरी हो गई जनाने का, तब पंडित जी कहीं ना हक कहे तुम ही को दीन। कि भाई तब पंडित जी ने सोचा, पंडित जी ने अंत में सोचा कि दो तीन जाए चूल्हे भाड़ में, जान बच जाए या है काफी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दाह संस्कार में जो लोग जाते थे जो बुजुर्ग होते हैं वो बतावा करते हैं कि गिना की हो, ये अवधिया पंडित के कलम पर रहे, कहीं ये फल गया फल का, कहीं तुई कहीं ना तुई, तो चूंकि उन्होंने जब आश्चर्य राउंड लगने लगा तब सोचा कि तब पंडित जी कहा हक है तुम्हें तीनों खाने का, तीन खाई लो हम भी खा पाई कही कही पंडित नहीं करे, तीन खाई लो हम भी खा पाई कही कही पंडित नहीं करे, तब पता ही कहीं दे जरूर मानो ना ही बात घरे, सास होकर आए बात बदाई दिहो तू परे परे, तीन खाई लो तुम्हें दे जरूर एक माता खड़े से परे, फोकर वाला भा खड़ा भा भाई मनमा संग। गुरुदेव यादव जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। चूंकि जितने लोग दाह संस्कार में गए थे किसी लोग को किसी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि तीन और दो है का, शर्त लगाई तो तीन प्राणी और तीन प्राणी रहे, एक ही चीता में दोनों को लिटा दिया गया, और जब चीता से निकले तो तीन और दो के ऊपर सभी लोगों की निगाह गई, तो सब लोग सोचे कि ये हमारे सम्मो में के बटनवारा करते कि तीन दिन तो खाई तीन दिन कि तीन खाई लो हम दुई खा पाई कही कही पंडित न करे, तब पता ही कहीं दे जरूर मानो ना ही बात करे, सास सती होकर आए बात बताई दी हो तू परे परे, तीन खाई लो तू ही दे जरूर यकमा का उखजे से परे, फूके वाला भा खड़ा था भाई मन मन संकाउ करे, गांव के लोग रहे जितने हुए ये सब देखिन बहुत डरे, कि हिन गुहार हिया से भागो ना ही तो सबका पकड़े, भले सदे है भूत भवा कुल 24 घंटा इन्हें मरे, पके वहां से लोग यहाई हम सबके मन मा भरम भवा, परताई चुड़ैल हो गई पंडित वाजान, भगे वहां से लोग यह अब सबके मन में भरम भवा, परताई चुड़ैल हो गई पंडित वाजान भरम भवा,
अब पाछे पंडित पछुआए हैं दिए कफ बड़ी गरम भवा, पाछे पंडित पछुआए हैं दिए कफ बड़ी गरम भवा, आगे ता कहीं हो था कहीं धागत धागत चला जाएगा ताकत अरे आगे ता कहीं हो भाग भागत भागत कुल करम भवा, पहुंचे बड़ी को हार की ही में हल्ला कुल गावा भरम भवा, गाँव के मुखिया रहे जवन हुए गाँव भरे का समझावे, भये इकट्ठा लोग राय आपस में यहाँ सब मिलावे, हुशियारी से रहना है पहरा की ड्यूटी लगवावे, चारों तरफ ध्यान राखो ना गाँव में है आवत पावे, जैसे पंडित बोलो बरानी गाँव के न चेहरे आवे, कैसा हल्ला करे गाँव भर बार लुटेखा उलझा उलझा। ये व्यवस्था गांव वालों ने बनाया कि कहीं तो ही जाने अनजाने में किसी का लड़का बच्चा अगर आगे पड़ेगा तो बड़ा गड़बड़ होगा, तो उसी बगीचे में इनको रोका था, और जैसे पंडित की भूख लागे तो कोनी में भागे गमे को रावण, जैसे प्यास लागे जैसे गांव की तरफ बढ़े, और जैसे गांव की तरफ बढ़े तैसे यह व्यवस्था ये थी जो तो माटी जलावा कि जैसे पंडित दोनों पर रानी गाँव के न चेहरे आवे, जैसे हल्ला करे गाँव भर बार लुके था डरवावे, गुजरी ऐसे बीत गवा सब लड़का बच्चा लुकवावे, कई दिन गाँव रखे बो सब कई दिन गाँव रखे बो सब एक साधन मुखिया बतावे, एक कहो दरोगा जी से कोई व्यवस्था करवावे, दियो सूचना थाने में दरखास्त ये बिठू लिखवावे, दियो सूचना थाने में दरखास्त ये बिठू चौकीदार। 3 दिन के बाद गांव वालों ने चौकीदार को भेजा कि जाकर के इंस्पेक्टर महोदय से बता दो कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, अगर से नहीं बताते हो और कोई प्रिय घटना घट गई तो तुम्हारे सबके पास जवाब नहीं निकलेगा कि अरे 3 दिन तक तुम लोग कहां थे, इसलिए जाकर के वहां बताना है। चौकीदार ने जब गया वहां बताया कहा हुजूर ऐसी ऐसी घटना घट गई और हमारे गाँव के पंडित दोनों पहाड़ी एक साथ में मरे, अब हम लोग एक ही चिता में उनको दफनाने के लिए गए थे और चिता से निकल करके आए हैं, हम लोगों को परेशान किए। दरोगा साहब ने सुना कहा रे कहा दरोगा साहब ना ये बात समझ में आता है, मरा बताते हो उनको कैसे वो भूत बन जाता है, मरा हुआ आदमी तुरंत नहीं मानुष का तन पाता है, भरम मत करके देखो हमको देखो। इंसान महोदय वही नांगे की सुपरमित हो गया है और बता रहा है कि परसों मरे अब आज में भूत बन के आए हैं, हमें परेशान किए कि भगवान दीन के हृदय में है पानी बसा विधाता है, बना दिया है गाना जो सागर दृष्टान्त बताता है, कभी निकल कर गया नहीं जो लंबरदार से गाता, भाई कभी निकल कर गया नहीं जो लंबरदार से गाता है, उधर दरोगा साहब ने कर दिया है फौरन तैयारी, चले सिपाही साथ में दो घोड़े की करके सवारी, पहुंचे वहां दरोगा जहां पे परेशान थे नर नारी, घोड़ा बांध दिया फौरन कर दिया या गाड़ी घोड़ा बांध दिया फौरन कर दिया लगाड़ी पिछारी, दूसरे गाँव के लोग दरोगा साहेब सबको फटकारी, कहा साथ में चलो सब घेर लियो यारी यारी, हलकर उसे पकड़ लेंगे लाएंगे बाहर निकारी, दोनों का निष्ठिल दरोगा हले बाग के माधारी, पंडित नो परानी फिर चल दिन मार के किरकारी, 3 खाई ले हम देखा भैया सब फिर ललकारी, भगत सिपाही कहे नौकरी से है जान हमें प्यारी, पंडित बहा चलाया अरे भाई साहेब का शंका भारी, नहीं जानो याद रख तो पंडित जी सोचे कि अब कोई ढीठ में नहीं आवत है, अब शायद अन्न जल मिल जाए, लेकिन जबान का परिवर्तन नहीं हुआ था, जबान वही थी कि 3 खाई लो हम भी खा पे जाए शब्द फिर ललकारी, सिपाही लोग सोचे कि दादा रे दादा नौकरी राय चाहे तुझे बाढ़ में जाए जान बचे, भगे सिपाही कहे नौकरी से है जान हमें प्यारी, पंडित बढ़ा चलाया हमें भय साहेब का शंका भारी, तनिको भूत डराम नहीं जानो याद रगड़दारी, भागे दरोगा घोड़ा लगे पहुंचे जाए के, आगारी खोला पीठ पर बैठे है धाय, आगारी खोली पीठ पर बैठे है धाय के, पिछाड़ी ना खोली दरोगा हर बढ़ाए के, मारा कोड़े से घोड़े को कस के घुमाए के, घोड़ा भागने हाजी मारा कोड़े से घोड़े को कस के घुमाए के, पिछाड़ी वाली खूटी उखड़ी छटका पाए के, घोड़ा भागने लगा है चारों पांव बहाए के, खूटी तड़ा तरकीन रही गर्द घोड़ा भागने हाजी घोड़ा भागने लगा है चारों पांव बहाए के, खूटी तड़ा तड़ गिर रही गर्दन पे जाए के, खूटी तड़ा तड़ गिर रही गर्दन पे जाए के, सोचे दरोगा भूत भी आया पछुआए के, हमने तुम्हें कुछ कहा नहीं आए बचार के, तब भी मारते हो साले तुम बहु का पास। दरोगा साहब
कहे जा रहे हैं कि अभी मुझे क्यों पीट रहा है, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं। लेकिन दोस्तों रूह मारना कैसे बंद करें जब उसमें ऑटोमेटिक मशीन पीटती, या तो घोड़े के पैर से रस्सी टूटे, अब या रस्सी से खूंटी टूटे तब दरोगा साहब के पिंड छूटे। दरोगा साहब घोड़ा भगाए जा रहे हैं कि भाई मुझे क्यों पीट रहा है, कर दूंगा ठीक तुमको हम थाने में लाए के, घोड़ा छोड़ा घोसाली के अंदर जाए के, घोड़ा छोड़ा है घोसाली के अंदर जाए के, पहुंचे है साहब बंगले बेड़ी मार खाए के, देखिन है मेम साहब जब आंखें उठाए के, आए हो सर कैसे अपना गर्दन तुराए। श्रीमती जी ने पूछा कि हल्के में गए थे, चेहरे पर रोह होना चाहिए, इतना उदास तुम क्यों हो। दरोगा साहब ने कहा कि कहा दरोगा साहब ने पहले जाके लाओ पानी, यो भाग रही इन बच्चों की जो बची है मेरी। और कहे दरोगा साहब, भाई कहे दरोगा साहब की पहले जाके लाओ पानी, भाग रही है बच्चों की जो बची है मेरी जिनगानी। हल्का नंबर पांच में है, हल्का नंबर पांच में है हम गए थे करने निगरानी, हल्का नंबर पांच में है हम गए थे करने निगरानी, एक भूत से वहां के लोगों को थी बड़ी परेशानी, उसी भूत ने मेरे साथ कर दिया है ऐसी मनमानी, डरा नहीं वो आया है थाने तब उसको खुद जानी, कहा मेम साहब बैठो करती हूँ उसकी निगरानी, जाके देखा घोड़ा के पाँव में रस्सी थी बांधी, बनी हुई रस्सी में फूटी दिमाग से सोचा रानी, बनी हुई रस्सी में भाई बनी हुई रस्सी में फूटी दिमाग से सोचा रानी, इसीलिए तो साहब की हो गई है इतनी हैरानी, जाके कहा दरोगा जी से आपके बुद्धि में खामी, भूत नहीं वो भरम हुआ है सारी तेरी नादानी, भूत नहीं तुम्हें भरम हुआ, भूत नहीं तुम्हें भरम हुआ है सारी तेरी नादानी। सरस्वती के दाया से, सरस्वती के दाया से कहा यादव जी मिश्रा छानी, जवाब दो यार जवाब लो यद बन करके आए ज्ञानी, जवाब दो यार जवाब लो यद बन करके आए ज्ञानी, जाते नंबरदार सदा हर दंगल में मधुरी।